कोटा MBS अस्पताल में एक कोचिंग छात्र जेब कतरों का शिकार बन गया। जेब कतरों ने कोचिंग छात्र की जेब से परस पार कर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश जिले के रायसेन जिले के सियामन गांव निवासी मयंक जैन कोटा आकाश कॉलोनी के पास मानपुरा में रहकर कोटा में मेडिकल की तैयारी कर रहा है। स्किन प्रॉब्लम होने से छात्र मयंक जैन दोपहर को MBS अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने पहुंचा था। यह पर्ची कटवाने के बाद कमरा नंबर 104 में डॉक्टर को दिखाया, जिसके बाद डॉक्टर द्वारा लिखी दवाई लेने के लिए दवा काउंटर पर लाइन में लगा और इसके बाद जेरोक्स कराने के लिए दुकान पर पहुंचा। यहां जेरोक्स वाले को पैसे देने के लिए अपना पस निकाला तो पस जेब से गायब मिला, जिसके बाद मयंक जैन ने MBS अस्पताल की पुलिस चौकी पर जाकर चोरी की घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलने पर चौकी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल कोचिंग छात्र को लेकर CCTV रूम में लेकर पहुंचा और मौके पर लगे सभी CCTV फुटेज खंगाले, लेकिन घटनास्थल कैमरे की रेंज से बाहर होने के कारण फुटेज नहीं दिखाई दिए। कोचिंग छात्र मयंक जैन ने बताया कि उसके बटवे में 1,000 रुपए नकद व बैंक के ATM कार्ड रखा था। पर्ची काउंटर पर पर्ची कटवाते समय तक उसका पर्स जेब में ही था। डॉक्टर को दिखाने के बाद दवा काउंटर से दवा लेने व जेरोक्स की दुकान पर पहुंचने से पहले चोरों ने उसकी जेब तराशी कर वारदात को अंजाम दिया। हॉस्पिटल में आए थे हम, पर्ची कटवाई, उसके बाद जैसे ही दवाई वाले स्टोर पे गए दवाई लेने, तो उस टाइम पे पर्स गया। क्या कितने केस थे, क्या था उसमें? पर्स में 1,000 के समथिंग पैसे होंगे और ATM कार्ड था। वो जब जेरोक्स करवाने गए तो उस टाइम पे पैसे नहीं थे। उससे पहले पर जब काउंटर पे वो स्लिप बनवा रहे थे उस टाइम पे था। CCTV फुटेज में नहीं आया, मतलब बाहर ही हुआ है। बाहर ही हुआ मतलब यहाँ पे जहाँ मेडिकल स्टोर है ना, तो मेडिकल हो गया। नीट की तरह नीट कौन से संस्थान से? हेलन आपने बोल रहा हेडेक का हो रहा है, स्किन का। नाम क्या है आपका? मयंक।